हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूं श्रुति और आज की ये वीडियो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री के बारे में। इस वीडियो में मैंने चार चीज़ें डिस्कस करी हैं। पहला, व्हाट इज अडल्ट्री। दूसरा, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है और उसके एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स। तीसरा, कि सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड क्यों किया गया। एंड फाइनली, कि क्या अडल्ट्री अभी भी ग्राउंड फॉर डिवोर्स है अंडर हिंदू लॉ। तो अगर हम अडल्ट्री को जनरली समझें तो अडल्ट्री का मतलब है सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन समवन हु इज मैरिड एंड अ पर्सन दे आर नॉट मैरिड टू। ऑलमोस्ट हर रिलीजन के पर्सनल लॉज में अडल्ट्री को गलत माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट में अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 13 के अंदर। मुस्लिम लॉज में भी अडल्ट्री कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर अडल्ट्री ऑलरेडी गलत कंसिडर किया ही जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे डीक्रिमिनलाइज क्यों किया। डीक्रिमिनलाइज करने की वजह थी कि जिस तरीके से अडल्ट्री को डिफाइन किया गया था सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर, वो गलत था। अडल्ट्री की ये डेफिनेशन 158 ईयर्स ओल्ड है और ये उस टाइम की है जब वुमेन के पास इक्वल राइट्स नहीं थे, इसीलिए इस डेफिनेशन का स्कोप और एप्लीकेशन दोनों लिमिटेड है। Now let's understand the essential ingredients of section 497. Pehla ingredient hai that a man must have sexual intercourse with a married woman. So sexual intercourse hona aur wo bhi ek married woman ke saath intercourse hona essential hai. Intercourse with a prostitute, unmarried woman or widow will not be considered under the definition of adultery. Dusra essential ingredient hai knowledge. So a man must know or has a reason to believe that a woman is the wife of another man. तो यहाँ पे उस मैन के लिए ज़रूरी नहीं है दैट ही शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ अ हस्बैंड, बस ये पता होना काफ़ी है दैट शी इज़ अ मैरिड वुमन। अडल्ट्री के लिए तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। तो यहाँ पे ज़रूरी है दैट हस्बैंड हैज़ नॉट कंसेंटेड टू द एक्ट ऑफ अडल्ट्री। अगर हस्बैंड को पता है दैट इज वाइफ इज़ इन एन अडल्ट्रस रिलेशनशिप और वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता है, देन इट मीन्स दैट ही हैज कंसेंटेड टू द एक्ट ऑफ अडल्ट्री एंड ये उसकी कंसेंट से हो रहा है। चौथा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है दैट अडल्ट्री शुड नॉट कंस्टिट्यूट रेप, मतलब दैट दिस शुड बी एन एक्ट बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स। और अगर यहाँ पे वाइफ की कंसेंट नहीं है देन इट अमाउंट्स टू रेप एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और इस केस में अडल्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी वाइफ। अब हम बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अडल्ट्री के बारे में। जोसेफ शाइन से पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में अडल्ट्री की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हो चुकी है। सौमित्री विष्णु जैसे केसेस में कोर्ट ने ये बोला है दैट ये प्रोविजन इज ओनली बेनिफिशियल टू द वुमेन और ये सिर्फ एक आउटसाइडर को पनिश करता है जो इन्वेड करता है मैट्रिमोनियल सैंक्टिटी को। फाइनली 2018 में जोसेफ शाइन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया क्योंकि ये प्रोविजन आर्बिट्ररी था, इरेशनल था और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी वॉयलेट करता था। पहला इशू इस प्रोविजन में ये है कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैन को पिनलाइज करता है फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन वाइफ। वुमेन की इस प्रोविजन के अंडर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और वुमेन को एज एन अबेटर भी हम रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकते। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैन को ही एज अ सेड्यूसर हेल्ड करता है। दूसरा इशू इस सेक्शन में ये है कि वुमेन के पास अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन फाइल करने का भी राइट नहीं है। सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी के अंदर सिर्फ हस्बैंड्स के पास ही ये पावर है और राइट है कि वो अडल्ट्री के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और अगर हस्बैंड एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में हर वो इंसान जो उसकी वाइफ का ध्यान रख रहा है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ, ही कैन फाइल कंप्लेन। अडल्ट्रस हस्बैंड की बीवी को इस प्रोविजन के अंदर कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकती है। तीसरा इशू इस सेक्शन में ये है कि अडल्ट्री ऑफेंस तभी है जब हस्बैंड की कंसेंट के बिना हो, और अगर हस्बैंड ने अपनी कंसेंट दे दी है सो ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री हुआ ही नहीं। तो ये प्रोविजन कहीं से भी सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट नहीं करता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की प्रोप्राइटी राइट को प्रोटेक्ट करता है। और अगर सैंक्टिटी ऑफ मैरिज की ही बात है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन अनमैरिड वुमेन और विद अ प्रोस्टिट्यूट और विद अ विडो, इन सबको इस प्रोविजन के स्कोप से बाहर क्यों रखा। दिस प्रोविजन कंसिडर्स वुमेन टू बी सबॉर्डिनेट टू देयर हस्बैंड्स।
इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड करते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहा दैट अ हस्बैंड कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ हिज वाइफ। ये प्रोविजन वुमेन को डिप्राइव करता है ऑफ देयर ऑटोनोमी, डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। इस प्रोविजन के अंदर ना ही वुमेन कभी अग्रीव हो सकती हैं और ना ही उनके खिलाफ कभी केस फाइल हो सकता है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जोसेफ शाइन केस में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है दैट सेक्शन 497 दैट इज़ अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिसका मतलब कि अडल्ट्री इज़ नो मोर अ क्राइम इन इंडिया नाउ। तो क्या अडल्ट्री अब इंडिया में ग्राउंड फॉर डाइवोर्स भी नहीं है? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 स्पेसिफिकली डाइवोर्स और डाइवोर्स के ग्राउंड्स को मेंशन करता है, जिसमें से अडल्ट्री अभी भी एक ग्राउंड है। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया है और ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स में से हटाया नहीं है। तो अगर हम अडल्ट्री को डाइवोर्स प्रोसीडिंग के सेंस में समझें, सो अडल्ट्री इज एनी वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक। सिविल प्रोसीडिंग्स में अडल्ट्री की डेफिनेशन आईपीसी जैसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक विल अमाउंट टू अडल्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मैरिड पर्सन के साथ है या फिर अनमैरिड पर्सन के साथ। 1976 से पहले अडल्ट्री सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स का ही ग्राउंड था, लेकिन 1976 के बाद जब मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया, उसके बाद अडल्ट्री को ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन दोनों कर दिया गया। अब डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है दैट देर शुड बी मल्टीपल एक्ट्स ऑफ अडल्ट्री, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री ही सफिशेंट है फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अडल्ट्री यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अडल्ट्री के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक शादीशुदा आदमी दोबारा शादी करता है एंड ही स्टार्ट्स लिविंग विद हिज सेकेंड वाइफ, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ बाइगेमी एज वेल एज अडल्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।